यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर चलना चाहिए। यीशु मसीह का नाम हमारी सांसों में मिलना होना चाहिए। उठते बैठते जागते प्रभु की प्रभु के नाम में हम रहें। जब हम प्रभु के नाम में रहेंगे, कोई भी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी शैतानी ताकत आप पर हावी नहीं होगी। लेकिन उस नाम को भी आपको बोलना है। कई बार हम मन में प्रार्थना करते रहते हैं। नो, मन में नहीं प्रार्थना करनी है। आप अपने घर में बैठे हैं, आप बोले यीशु मसीह तो मेरा पिता है, यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, यीशु मसीह तो मेरे इस घर का राजा है, तो मेरा राजा है, यीशु मसीह मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, तू है तो मैं हूं, तेरे लहू से मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, सामर्थ्य हूं। बोलिए, अपनी जॉब में जा रहे हैं, बोलिए, समर्पित करिए अपने आप को, बोलकर कहकर। जब आप अपने मुंह से उसका नाम लेंगे तो उसका सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। यस, यीशु मसीह के जो नाम में सामर्थ है वो किसी दूसरे नाम में नहीं है। बाइबल कहती है कि इस युग में और आने वाले युग में कोई भी ऐसा नाम नहीं है। यीशु मसीह के पैरों के नीचे हर नाम है। खैर, यीशु मसीह हमें बहुत कुछ दे गया। आज हम बात करने वाले हैं कि उसने जो हमें शांति दी है वो क्या है। आमीन। यीशु मसीह जाते जाते हमें क्या देकर गया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार की शांति नहीं। हालेलुया। हम इस वचन को आज गौर से समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी शांति क्या है, वो कौन सी शांति हमें दे गया है और उस शांति के अनुसार हमें कैसे जीना है। अगर वो शांति हमारे साथ है तो हम कैसे अपने जीवन को देखेंगे, और अगर उसकी शांति हमारे अंदर नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, उसकी शांति, तो व्याकुलता और भय हमारे जीवन में काम करेगा, संदेह हमारे जीवन में काम करेगा। तो छोटा सा वचन है, मेरी बहन पढ़ेंगी, हालेलुया, यूहन्ना 14:27, उसके बाद हम आगे देखेंगे। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार की शांति नहीं। देखिए, इसमें दो शांति के बारे में बताया गया है। हमें समझना है कि संसार की शांति क्या है और यीशु की शांति क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम इस चीज को समझ गए ना, तो आज देखिए आप सफलता का एक कदम और बढ़ाएंगे। संसार की शांति क्या है? आपने मान लीजिए घर बनाया और आपने लाखों रुपए उस घर में लगाए, बढ़िया से पर्दे लगाए, टाइल्स लगाया, सब कुछ अच्छे दरवाजे लगाए, सब कुछ अच्छा, आपने 5-6 लाख रुपए लगाकर अपना घर बनाया और आप देख रहे हैं और आपको एक आनंद का, शांति का अनुभव हो रहा है कि वाह देखो कैसा घर है। 6 महीने के बाद उसकी एक टाइल टूट गई, आपका नल का नया खराब हो गया, आपके बच्चे ने कुछ दीवार पर लिख दिया और आपकी शांति भंग हो गई। अरे यार, अभी भी तो मैंने करवाया था, आप कोई आएगा देखेगा तो क्या करेगा, क्या है ये? आप समझे कि नहीं? आपको जब नौकरी, आप नौकरी करते हैं और आपको पगार मिलती है तो आप अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं कि हाँ हाँ, आज 1 तारीख है, आज हमारे पास पैसा है। लेकिन जैसे 20 तारीख आती है, आपकी शांति चली जाती है और आपकी व्याकुलता बढ़ जाती है कि अगले महीने क्या होगा। एक भय आ जाता है आपके अंदर कि अगले महीने अच्छी तरीके से चलेगा, जो कर्जे हुए वो मिट जाएंगे, यू नो। संसार की शांति ये है, लेकिन यीशु की शांति क्या है? यीशु हमें कौन सी शांति दे गया है? यीशु हमें वो शांति दे गया है जो अनंत काल की सुरक्षा का है। यीशु हमें वो शांति दे गया है जो उसकी उपस्थिति की है।
यीशु हमें वो शांति दे गया है जिसमें उसका सामर्थ्य है और जिसमें उसका अधिकार है। यीशु की सामर्थ्य, यीशु की शांति को समझने के लिए हम एक और वचन देखेंगे, लूका 8:23-24। इस वचन पे ध्यान से हम विश्लेषण करेंगे कि यीशु मसीह की शांति क्या है। देखिए यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम झील के उस पार चलते हैं। 9 में 12 चेले सवार हैं और यीशु मसीह है। हालेलुया, आप सब लोग इस कहानी को जानते हैं, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां आज मैं आपको यीशु मसीह की उस शांति के बारे में बताऊंगा जो वो शांति हमें दे गया है, जिस शांति में वो इस समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। आमेन, आमेन, हालेलुया। कौन थे? चेले जोखिम में थे। आपने कभी सोचा है इतनी नाव जिसमें तूफान आ रहा है, हिचकोले खा रही है, हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहा है, कोई सोच सकता है? आप सोच सकते हैं? आप ऐसी नाव में अगर सफर कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह सो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यीशु के पास उसकी शांति थी। प्रेज द लॉर्ड, क्यों सो रहा था और चेले क्यों व्याकुल हो गए? जब चले थे चेले, जब नाव में बैठे थे चेले, तो बहुत आनंदित थे कि हम यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं, आनंदित थे। लेकिन जैसी चली, जैसी तूफान आया, जैसी लहरें डगमगाई, जैसी हवाएं चली, वो डर गए, क्योंकि उनके पास संसार की शांति थी। चलते हुए तो शांति थी, लेकिन जैसी तूफान आया वो शांति चली गई। यही होता है हमारे साथ कि हम एक दिन हमारा शांति में गुजरता है और दूसरा दिन जब धंधा नहीं होता है, जब नौकरी नहीं होती है, जब बीमारी आ जाती है, जब कोई आपका मेहमान आ जाते हैं, जब अचानक से कोई खर्चा हो जाता है और हमारी शांति चली जाती है और हमारे अंदर व्याकुलता आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आती है? व्याकुलता। वो हमें अपनी शांति क्यों देकर गया? ताकि हम व्याकुल ना हो। अगर 14:27 में आपके लिए दोबारा पढ़ो, यूहन्ना 14:27 दोबारा पढ़िए मेरे बच्चे, दोबारा पढ़िए, इस पर हम दोबारा आएंगे। उसमें क्या लिखा हुआ साफ साफ कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार की शांति नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे अंदर भयभीत ना हो, तुम्हारे अंदर भय नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज का भय, आपकी बीमारी का भय, आपके भविष्य का भय आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आपके भविष्य का भय, अगर आपकी बीमारी का भय, अगर आपकी नौकरी का भय आपके अंदर आ रहा है, तो परमेश्वर की शांति, यीशु की शांति आपके अंदर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। इसलिए वो कह रहा है कि मैं अपनी शांति देकर जाता हूं, संसार की शांति नहीं रही। स्पेसिफिक उसने बोला है, आमेन, हालेलुया। और वो जो शांति हमारे अंदर उसने दी है, वो शांति हमें हर समय, हर विपत्ति में, हर परीक्षा में हमें शांत रखने के लिए है, गड़बड़ाने के लिए नहीं है कि जरा सी विपत्ति आए हम गड़बड़ा गए, जरा सा प्रॉब्लम आया हम गड़बड़ा गए। यीशु मसीह क्यों सो रहा था? क्यों उस तूफान में सो पाया? Because he knows कि what is my destiny, मुझे कहाँ जाना है। Because he knows कि कोई मेरा रास्ता रोक नहीं सकता है। Amen? सिर्फ एक बाइबल है मेरे भाई मेरी बहन, जो आपको बताती है कि आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या करना है और आपको कहाँ जाना है। और कोई शास्त्र नहीं है, कोई किताब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल है जो हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं, हमें यहां पर क्या करना है और हमें कहां जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाव पे तो चेले भी चढ़े थे,
और नाव पे चढ़ने से पहले उसने कहा कि हमें झील के उस पार जाना है, गदरेनियों के शहर में जाना है। लेकिन चेले अपने उद्देश्य को भूल गए। आपके जीवन में अशांति कब आती है? जब आप अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, जब आप अपनी आशा से फिसल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे मेरे यीशु को, मुझे मेरा यीशु झील के उस पार लेकर जा रहा है और मैं वहां जाऊंगा। आमीन। कोई रोक नहीं सकता, कोई विपत्ति रोक नहीं सकती। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर के वचन को काट डाले। इसलिए लिखा हुआ है, आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी यीशु की शांति आपके अंदर कब बनी रहेगी? जब आप यीशु की सुरक्षा में, जब आप यीशु की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप ये महसूस करेंगे कि यस, विपत्ति आए, परीक्षा आए, कुछ भी आए, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरे यीशु को मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो अपनी वर्तमान स्थिति को देख रहा हूं, मैं तो अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर टकमगा गया हूं, लेकिन मेरा भविष्य मेरे यीशु के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं है, आपका कल आपके हाथ में नहीं है, आपका कल, आपका भविष्य आपके यीशु के हाथ में है। और यही विश्वास आपके अंदर शांति पैदा करता है, यही विश्वास। इसलिए यीशु को पता है कि मुझे वहां जाना है, गदरेनियों में, गदरेनियों के शहर जाना है और वहां से मैं दुष्ट आत्मा को निकालना है। आई नो, चेले भूल गए। शैतान क्यों आपको आजमाइशों में डालता है? शैतान क्यों आपके जीवन में परीक्षाएं लेकर आता है? शैतान क्यों आपको संदेह के दायरे में डालता है? ताकि आप अपने उद्देश्य को भूल जाएं। आप अपने उद्देश्य को भूल जाएं। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका लक्ष्य अगर यीशु है तो आपके स्वभाव में यीशु होगा। मैंने यीशु को पाया है, यीशु ने मुझे पाया है, यीशु ने मुझे चुना है, अब मुझे यीशु के पीछे ही चलना है। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए, यह आपका ध्येय होना चाहिए। उसके बीच में आपकी नौकरी आती है, आपका धंधा आता है, आपके रिश्ते आते हैं, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका लक्ष्य यीशु है। आपके जीवन से कोई भी काम अगर संबंधित है, आपके जीवन से अगर कोई भी काम है, तो वो यीशु के लिए होना चाहिए। आपका हर काम, तब आप देखिए आपकी शांति बनी रहेगी। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की शांति थी, यीशु मसीह के अंदर वो शांति थी जो उसे उस नाव में सुला सकी। आमीन। लोग रातों को उठ के जाग जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते। यीशु ने बताया हमें इस दृष्टांत के द्वारा कि आपको अपने भौतिक जीवन में कैसे जीना है। हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं है, कोई भी समस्या असंभव नहीं है जिसे मेरा यीशु चंगा नहीं कर सकता, जिसे मेरा यीशु सुलझा नहीं सकता है। इसलिए चेले डर गए और चेले कहने लगे, अरे गुरु, तू सो रहा है, तू सो रहा है और हम मरे जा रहे हैं। अरे गुरु, उठ, हमें बचा। यीशु ने उठते ही उन तूफान को डांटा, हवाओं को रोका। ए तूफान, रुक जा, हवाओं चलना बंद करो, बस चलो। आमीन। और क्या पूछा? कहां है तुम्हारा विश्वास? कहां है तुम्हारा विश्वास? आमीन। कहां है तेरा विश्वास?
मार्था और मरियम याद है आपको? मार्था अपने घर बुलाती है यीशु मसीह को कि यीशु मसीह बैठिए। बैतनिया की अच्छी औरत, अच्छा घर, और मरियम उसकी उसके चरणों में बैठी हुई है, और मार्था कह रही है कि अरे प्रभु इसको बताइए कि सही रास्ता क्या है। यीशु मसीह ने कहा सही रास्ता उसे चुन लिया है। वो जानते थे यीशु मसीह कौन है। मरियम ने अपने बालों से उसके पैर पोंछे थे। लेकिन जैसे ही लाजर बीमार पड़ा, विश्वास डगमगा गया, शांति चली गई। संदेह भेजा कि यीशु मसीह तेरा दोस्त जो बीमार है वो मर रहा है, जल्दी आ। संदेश वाहक ने बताया, जो संदेश लेकर गया था उसने बताया कि मार्था मरियम यीशु मसीह को मैंने बता दिया है और यीशु मसीह ने सुन लिया है। उसके बाद भी उनकी व्याकुलता कम नहीं हुई, उनके अंदर भय छा गया और अपने भाई को दफना दिया, अपने भाई को दफना दिया। यीशु मसीह आए, मार्था आती है, अरे प्रभु तू अगर पहले आया होता तो मेरा भाई मर जाता। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अगर वो मर भी जाएगा तो जिंदा होगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अगर कोई मर भी जाएगा और मुझ पर विश्वास करेगा तो वो जिंदा हो जाएगा। क्या तू विश्वास करती है? हां प्रभु मैं विश्वास करती हूं। और चली गई मरियम, आई कि मैं जानती हूं तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु मसीह रोने लगे, ये विश्वास है तुम्हारा? अगर तुम जानती हो, अगर तुम जानती थी कि मैं होता तो नहीं मरता तो मेरे आने का वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा विश्वास नहीं था। तुम तो यह समझ रही थी कि पुनरुत्थान के दिन में मैं तेरे भाई को उठाऊंगा। अरे मैं इसे अभी उठा सकता हूं। वो चार दिन के बाद क्यों आए थे? ताकि उनके जो विधियां हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनसे वो उनको वो झुटला सकें कि तीन दिन तक आत्मा रहती है और चौथे दिन आत्मा निकल जाती है। वो चौथे दिन आए। यीशु मसीह समय पर अपना कंट्रोल करते हैं। उनके हाथ में समय है, उसके हाथ में कल है, उसके हाथ में भविष्य है। उसने सृष्टि को रचा है, आत्माएं उसके बस में है। रो पड़े यीशु मसीह, और लोग समझे नहीं। लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों रोए, क्योंकि उससे प्यार करते थे। अरे यीशु मसीह रोए कि मरियम तूने मेरे पैरों को जो अपने बालों से पोंछा है, तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं? हम यूं ही सेवा कर रहे हैं, हम रोज चर्च में आ रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, चप्पल पोंछ रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और जान ही नहीं रहे कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। समझ ही नहीं रहे कि यीशु मसीह है कौन। वो रो पड़े कि तू अगर विश्वास करती है रुकी क्यों नहीं। देखिए परमेश्वर ने अगर आपको चुना है ना भाई साहब, तो वो आपके द्वारा अपनी महिमा दिखाना चाहता है। आपके द्वारा वो अपनी महिमा दिखाना चाहता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था और इब्राहिम से बोला था कि तेरा ऐसा वंश होगा जो 400 साल तक मिस्र में गुलामी की जिंदगी जिएगा, उसके बाद मैं प्रकट होऊंगा। उसने क्यों चुना है आपको? ताकि आपके द्वारा खुद को प्रकट करे। हम समझते हम पर प्रकट हो जाए बस, यीशु हमारे काम करता रहे, मेरी नौकरी अच्छी लेते रहे, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरी बीमारी ना आए, मेरे घर में खुशहाली हो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, बस ये। इसीलिए यीशु है क्या? इसीलिए यीशु मसीह अपनी शांति दे गया क्या आपको? अरे जो यीशु मसीह दे गया उसको आप जानते नहीं है। उत्तराधिकार दिया है उसने आपको स्वर्ग में। आप नहीं जानते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको व्याकुल कर जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसकी शांति को बना के रखिए। विपत्ति आए, परीक्षाएं आए, बीमारियां आए, जैसे यीशु मसीह उस नाव में सो गया था, सो जाइए, क्योंकि यीशु है आपकी परवाह करने के लिए। आपको एक बात बता दूं, हेलो, आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह आपको आपसे ज्यादा प्यार करता है। यीशु मसीह आपके बच्चे को आपसे ज्यादा प्यार करता है। यीशु मसीह आपके पति को आपसे ज्यादा प्यार करता है। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हाँ के ना? आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? उसके लिए मर सकते हैं? आप एक अदनी उंगली नहीं काट सकते अपने बच्चे के लिए? वो आपके बच्चे के लिए मरा, वो आपके बच्चे के लिए मरा है। और क्या चाहता है? कि आपको सुख देना। वो चाहता क्या है? कि मेरी बच्ची ही मेरे पीछे चल, क्योंकि तू वो रास्ता नहीं जानती है जो शैतान ने बिछाया हुआ है। इसलिए मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं, मुझे फॉलो कर। क्या कह रहा है आपसे वो? कि मेरे पीछे चल। अगर तू मेरे पीछे नहीं चलेगी मेरी बच्ची, मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। अगर तू मुझे नहीं थामेगी तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। तू मुझे थाम, मुझे थाम। आप नहीं जानते यीशु क्या कह रहा है। यीशु कह रहा है मुझे थाम, मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। यीशु को आपकी जरूरत है, इसलिए वो आपके लिए मरा। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में इतने ज्यादा घुस जाते हैं, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को ही सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं। हमारा लक्ष्य हमारा यीशु है, हमारा जीवन हमारा यीशु है। यीशु के बिना और कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु अपनी शांति दे गया था। आपको याद है ऊपरी कोठरी में बैठा हुआ था? यूहन्ना 20 का 19 पढ़िए बेटा। ऊपरी कोठरी में जब यीशु मसीह मर गया, उसको गाड़ा गया, उसे कब्र में रखा गया, और जब वो मर के जिंदा हो गया, तब तक जितने चेले थे ऊपरी कोठरी में थे। क्या थे? व्याकुल थे, डरे हुए थे। यीशु की शांति जो उनके पास थी चली गई थी, चली गई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, जब तक आपके अंदर यीशु की शांति रहेगी, आप उसकी योजनाओं को समझ पाएंगे। जब तक उसकी शांति आपके अंदर रहेगी, आप उसके प्रेम को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अलबत्ता नहीं, अलबत्ता आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। इसलिए वो ऊपरी कोठरी में आया। पढ़िए बेटे 20 का 19, यूहन्ना 20 का 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन, आमीन। दरवाजे बंद कर रखे थे इन चेलों ने, दरवाजे बंद कर रखे थे डर के मारे उन सैनिकों से। डर के मारे। संसार की शांति आपको डर देती है, संसार की शांति आपको व्याकुल करती है। डर के मारे दरवाजे बंद कर रखे थे, लेकिन यीशु आया और सबसे पहले उसने क्या कहा? एक साथ बोलिए, क्या कहा? शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हेलो, कहाँ हैं आप लोग? जागिए। ऊपरी कोठरी में आया, सबसे पहला वर्ड उसने क्या कहा? शांति मिले। आमीन। शांति। अगर आपके अंदर यीशु की शांति नहीं है, क्यों उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले?
क्योंकि अब वो जो कहने वाला है उसको समझने के लिए उसकी शांति की जरूरत है आपको। अगर यीशु की शांति आपके अंदर नहीं है तो आप यीशु को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको तो संसार की शांति चाहिए, आपको लगता है कि मेरा धंधा मुझे शांति दे रहा है, मेरी नौकरी मुझे शांति दे रही है, जो पैसा मेरे जेब में है, आपको तो संसार की शांति चाहिए। यीशु की शांति आपके अंदर है नहीं, इसलिए आप यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहता है तुम्हें शांति मिले, 20वां पढ़ो, 20वां इसी का। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। हाँ। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमेन। हेलो, दोबारा से इस वचन को पढ़ने की पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, ध्यान से लगिए। और यह कहकर उसने अपना हाथ अपना पंजर उनको दिखाए। हाँ। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। आमेन। 19वें वचन में उसने क्या दी चेलों को? शांति। जब शांति उन तक पहुंच गई तब उसने दिखाया, ये है, मैं जीवित हो चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो निशान है, मैं ही वो यीशु हूं जो क्रूस पर कीलों के द्वारा मारा गया। ये कीलों के निशान, ये देख भाले का निशान। और मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा ना, तब भी आप वो निशान उसके शरीर में देखेंगे। यही वो प्रमाण होगा कि यीशु मेरा जिंदा है और आपके घाव लेकर अपने जीवन में जिंदा है, आपके घाव उसने लिए हुए हैं। तो आपको शांति वो क्यों दे रहा है? चेलों को शांति क्यों दी? तो क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूं वो समझो, तुम्हें शांति मिले। और उसने कहा कि देखो ये पंजर, ये घाव देखो, ये कील के निशान, ये भाले के निशान देखो, देखो। और जैसे ही उन्होंने देखे, अब तक वो थे भय में, अब तक वो थे व्याकुल, जैसे ही उसकी शांति मिली वो आनंदित हो गए। आमेन, आमेन। प्रभु की शांति ही आपको आनंद करेगी। अगर यीशु की शांति आप में है मेरी बहन, तो आप विपत्तियों में आनंदित होंगे। अगर यीशु मसीह की शांति आप में है तो आप परीक्षाओं में आनंदित होंगे। अगर यीशु की शांति आप में है तो घोर बीमारी में आप आनंदित होंगे। चेले आनंदित हो गए, जो कि व्याकुल थे, डरे हुए थे, कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था कोठरी का, कि भैया कोई आना जाए हमें मारना दे। लेकिन जैसे ही यीशु ने शांति दी, हालेलुया, आनंदित हो गए। वाह प्रभु, तू कितना महान है यीशु, तू ही है और कोई नहीं है, तू इतना सोचता है। जब तक यीशु की शांति आप में नहीं है, आप क्रूस को नहीं जान सकते। पौलुस ने उसकी शांति को समझ लिया था, इसलिए वो क्या कहता है गलतियों 2:20 में, पढ़िए बेटा गलतियों 2:20। गलतियों 2:20, पौलुस जान गया था कि उसकी शांति की शक्ति क्या है, उसकी शांति क्या है। वो क्या कहता है गलतियों 2:20 में, पढ़िए बेटा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। एक मिनट, वो जान गया था कि वो कौन है, वो जान गया था कि यीशु उसमें कौन है, वो जान गया था कि यीशु में मैं कौन हूं। इसलिए वो कहता है कि अब मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं। आमेन, मैं जीवित नहीं हूं, मैं यीशु में जीवित नहीं हूं, यीशु मुझ में जीवित है। आमेन, बोलिए मैं यीशु में जीवित नहीं हूं, यीशु मुझमें जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, आप में यीशु जीवित है। जिस दिन आप इस चीज को महसूस करने लगे, और वो आप कब महसूस करेंगे? जब यीशु की शांति आपके अंदर होगी। पौलुस जान गया था कि मैं अब जीवित नहीं रहा, तभी आप मसीह के जीवन को जी सकते हैं। जब तक आप यीशु में मरेंगे नहीं, यीशु आप में जिंदा नहीं होगा।
आपके अंदर संसार जिंदा है, गरबा जिंदा है, गरबा देखना आपको अच्छा लग रहा है, गरबा करना आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आपको अच्छा लग रहा है, उत्तेजित हो रहा है, यानी कि आपके अंदर अब ईशु नहीं रहा, अब संसार जीवित हो रहा है, संसार जीवित हो रहा है। यस, डेंजरस पोजीशन में है आप। अपने बर्थडे में आपको प्रभु नहीं चाहिए, आपके बर्थडे की शुरुआत आप प्रार्थना से नहीं कर रहे हैं, आप अपने बर्थडे की शुरुआत केक से कर रहे हैं। आप अपने बर्थडे के दिन ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो मसीह नहीं पहनते, जिन कपड़ों को मसीह को नहीं पहनना चाहिए, लेकिन चूंकि आपका बर्थडे मसीह से ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए आप अपने शरीर का नुमाइश कर रहे हैं अन्य जातियों के सामने, अन्य जातियों के सामने अपने शरीर का नुमाइश कर रहे हैं आप। मसीह कैसे आपके अंदर जीवित रहेगा, सिर्फ चर्च आने से? नहीं। क्या कहता है पौलुस कि मैं अब क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं और मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर चुका हूं। जब तक आप अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ नहीं समझेंगे, तब तक यीशु मसीह आप में जिंदा नहीं रहेगा। और यीशु मसीह क्यों जिंदा नहीं है? क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, आंखों की लालसाएं, बुद्धि का घमंड, शरीर की अभिलाषा आप में जीवित हो रही है। आप इसे बुरा नहीं समझ रहे, आप नहीं जान रहे, ये शैतान का तरीका है आपके जीवन में आने का, आप नहीं जान रहे। कैसे शैतान आपकी शांति को भंग करता है? जब आपके मन में डालता है, अरे अच्छे कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है, अरे म्यूजिक पे डांस करने में क्या प्रॉब्लम है, धीरे धीरे शैतान आपको शरीर की अभिलाषा में आपको जगाता है, आपके अंदर शरीर की अभिलाषा लेकर आता है, और आप बुरा नहीं समझते, कह रहे यार आते यार। फिर आंखों की लालसा, फिर जब आप कुछ कमाने लग जाते हैं तो बुद्धि का घमंड, मैं कमा रहा हूं, आपसे थोड़ी मांग रहा हूं, कपड़े अगर मैं पहन रहा हूं तो अपने पहन रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं तो अपने पैसे के कर रहा हूं, आपसे थोड़ी मांग रहा हूं, बुद्धि का घमंड मुझ में है, मेहनत कर रहा हूं। आपको नहीं पता है कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, बुद्धि का घमंड, ये शैतान के तीन अस्त्र हैं जो उसने हव्वा को भी दिए थे। पहला यौहन्ना 2:16 में पढ़िएगा, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है, इसको पढ़िए। हम समझते कि कोई चर्च वाला हमको देख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। आप समझते कि आपको कोई नहीं देख रहा है चर्च वाला, लेकिन आप नहीं जानते आपके अंदर जो यीशु बैठा है वो देख रहा है आपको, और आपके अंदर जो यीशु बैठा है उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी बेटी गलत कपड़े पहने। क्यों शांति आपके अंदर नहीं है? क्योंकि आप यीशु की शांति चाहते ही नहीं है, नहीं चाहते हैं आप। लेकिन यीशु की शांति ही आपको जीवन देती है, और कोई नहीं दे सकता आपको जीवन। आपको याद है पौलुस जब सिलास के संग मैसिडोनिया गया था और वहां परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था और उसे जेल में डाल दिया गया था, याद है आपको? और वहां पर रोमन्स ने कहा था
अपने दरोगा को इसको बेत मारो। उसने बेत मार मार के पौलुस की और सिलास की खाल उधेड़ दी, और बाइबल में लिखा हुआ है कि साहब उसके पैरों को काट से जड़ दिया और उसे अंदर की कोठरी में डाल दिया, हाथों में जंजीरें, शरीर लहूलुहान। लेकिन बाइबल कहती है कि वो तब भी प्रभु की स्तुति कर रहा था। मैं क्यों वो प्रभु की स्तुति कर रहा था? क्यों उन जंजीरों में ही प्रभु की उपस्थिति का आशीष ले रहा था? उसे कोई ढपली नहीं चाहिए थी, ढोलक नहीं चाहिए थी, वो जंजीरें ही उसे मगन कर रही थी प्रभु की उपस्थिति में। और जितने भी कैदी थे वो सब उसकी स्तुति आराधना सुन रहे थे, सुसमाचार सुन रहे थे। ऐसा क्या था पौलुस के पास, सिलास के पास, कि इतनी मार खाने के बाद, लहूलुहान होने के बाद वो परमेश्वर से दुहाई नहीं दे रहा है, उसको धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उसके पास यीशु की शांति थी। वो जानता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं रुकावटें आएंगी, वो जानता है कि मैं क्रूस उठाऊंगा दुनिया को नफरत होगी, वो जानता है, लेकिन मेरा पहला प्यार यीशु मेरे साथ है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता जो करता है वो मैं करता हूं, मैं जैसे अपने पिता को काम करते हुए देखता हूं वैसा ही करता हूं। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, लोगों ने उसके तमाचे मारे, थूका उसके मुंह पर, लेकिन यीशु ने अपनी शांति जाने नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी शांति क्यों चली जाती है? आप सबने ट्रेन में सफर तो किया होगा, ट्रेन में सफर किया कि नहीं किया? किया किया है ना। बहुत बार ऐसा होगा कि जो आपके साथ में बैठे हुए भाई बहन वो अच्छे नहीं होंगे, बहुत से आदमी ऐसे होंगे तो आपको लगता होगा नहीं यार बेचारे बहुत लड़ रहे हैं, मियां बीवी लड़ रहे हैं, ये बच्चा बहुत तंग कर रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं लगता है, इसकी नज़र अच्छी नहीं है, लगता होगा कि नहीं लगता होगा? लगता होगा कि नहीं लगता होगा? ट्रेन में आपको कई बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे कि जो आपके सहयात्री होंगे वो अच्छे नहीं मिले होंगे, लेकिन आपने अपनी शांति खोई नहीं? खोई क्यों? क्योंकि आपने कहा अरे यार हमें अभी 2 घंटे में उतर जाना है, यार अभी छोड़ो, ये आदमी गलत है तो छोड़ो, इस परीक्षा को छोड़ो। होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से हमें इस जीवन में करना है। आमीन। कितने विश्वास करते हैं हमें उतर जाना है? कितने विश्वास करते हैं कि हमें ऊपर जाना है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये जो बीमारियां आ रही हैं, ये जो संकट आ रहे हैं, ये जो परीक्षाएं आ रही हैं, ये कुछ भी इनका मूल्य नहीं है। यीशु आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। आमीन। हम ऐसी यात्रा में हैं जिसमें संकट आएंगे, जिसमें निराशाएं आएंगी, बीमारियां होंगी, शरीर है, लेकिन हमें उन बीमारियों में, उन परीक्षाओं में, उन विपत्तियों में स्थिर रहना है। किसके साथ? यीशु की शांति के साथ। और यीशु की शांति मुझे क्या एहसास दिलाती है? कि यीशु जो कल था वो आज है और हमेशा रहेगा। मेरा यीशु नहीं बदलेगा। मेरे यीशु ने 2000 साल पहले आकर मुझे बचाया। आप नहीं जानते यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है। 2020 साल पहले, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बता रहा हूँ आपको और मुझको कैसे उसने आशीष दिया है, हमारा जीवन बदल दिया है, हमारे अंदर से गलत सोच को निकाल दिया है, गलत विचारों को निकाल दिया है। नशे की आदत थी मुझमें, वो निकाल दिया उसने। गलत विचार थे मेरे, वो निकाल दिया उसने। मुझे अपनी पवित्रता उसने दी है। आप नहीं जानते कि यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। इसको कभी मत भूलिए। आप नहीं जानते यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है। अपनी आत्मा दी है आपको ताकि आप उसके पीछे चल सकें, ताकि जो उसने दिया है उसको संभाल कर उसके साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या मिल रहा है?
हम कैसे जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या मिल चुका है और हम कैसे जिएंगे ये इंपॉर्टेंट है। Praise the Lord. इसलिए अपनी छोटी बोटी गलत चीजों को, गलत धारणाओं को, गलत परंपराओं को अपने से दूर करिए। संदेह को अपने अंदर मत आने दीजिए। अपने मुंह से गलत शब्दों का उपयोग मत करिए। जैसा यीशु ने कहा है वैसा ही जीवन बिताने के लिए अपने आप को लेकर चलिए। शायद नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यीशु मसीह का जीवन जिया। नहीं, फिर आप कोशिश ही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह अगर धरती पर आता कहता भैया मैं कोशिश करूंगा कि आपके पापों को मिटा सकूं, कोशिश नहीं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको वो अभिषिक्त जीवन जीना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह, और कुछ नहीं है। चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे आपका छोटा धंधा हो, चाहे बड़ा धंधा हो, चाहे आप एक कोठरी में रहते हैं, चाहे आप महल में रहते हैं, एक ही रास्ता, एक ही जीवन, एक ही ज्योति, उसका नाम है यीशु मसीह। और अपनी शांति को बना के रखिए। मेरी बहन, हो सकता है आप दिक्कत में घूम रहे हो सकता है परेशानी में हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो सकता है आपके जो पड़ोसी हैं, हो सकता है जो आपका रिश्तेदार आपका साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वक्त आ रहा है, अंतिम समय में चल रहे हैं। एक दिन यीशु आएगा और आपको लेकर जाएगा। एक दिन यीशु आएगा, उस दिन ये दुनिया, उस दिन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उस दिन आपके जो पड़ोसी हैं, वही देखेंगे कि आप किस तरीके से उठाए जाते हैं। विश्वास करिए और धैर्य रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए, उसके संग जिए, उसके संग अपने आप को जीना, जीवन जीजिए, उसका जीवन अपने अंदर ले लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी आशीष, उसकी शांति हमारे अंदर बरकरार रहे। Praise the Lord. जैसे यीशु मसीह ने हमें जीकर दिखाया है उसकी शांति के साथ, जैसे पौलुस और सिलास ने हमें जीकर दिखाया है उसकी शांति के साथ, जैसे पतरस ने जीकर दिखाया है उसकी शांति के साथ। Praise the Lord. उसकी शांति थी। मूसा के पास क्या था? उसकी शांति थी। Praise the Lord. 40 साल मूसा ने अपने दे दिए परमेश्वर के चरणों में। सुबह शाम रात दिन वो प्रभु की सेवा करता रहा। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मांगा। गर्शेम वाले एलियाजर के लिए, अपनी सिपोरा के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं मांगा उसने। उसने कभी सेवा करते हुए नहीं कहा कि प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। वो सेवा करता रहा। लेकिन जब उसने एक गलती की और परमेश्वर ने कहा कि तू उस प्रॉमिसिंग लैंड को नहीं देख पाएगा, उस प्रॉमिसिंग लैंड में नहीं जा पाएगा, तब भी उसकी शांति उसके अंदर से नहीं गई। उसने कहा प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दीजिए, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना दीजिए, मुझे इन इसराइलियों को बताने दीजिए, मुझे इन इसराइल के बच्चों को बताने दीजिए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। मैं आपका ज्ञान इनमें डालना चाहता हूं, मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता हूं, उसके बाद आप जहां कहेंगे मैं चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कर पाया मूसा? क्योंकि उसके अंदर शांति थी। ये वो पिता है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे बताया है कि परमेश्वर कौन है, ये वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से जमीन पर आकर मुझसे बातें करता था, ये वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से जमीन पर आकर मुझसे पूछता था, इसराइलियों के बारे में योजनाएं बताता था। ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे दिया है। आज अगर ये मेरा परमेश्वर मुझसे कुछ मांग रहा है तो मुझे
आनंद के साथ इसको देना है, मुझे स्वीकार करना है। हे मैन, हम ये नहीं सोचते हैं। मूसा ने कहा यस मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके चुने हुए लोगों पर क्रोध किया, आप शब्द कहे, मैंने दो बार लाठी को मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है आपकी सजा, मुझे स्वीकार है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम स्वीकारते हैं अपनी गलतियों को? क्या हम स्वीकारते हैं कि यस मुझसे गलतियां हुई हैं? अपने जीवन में, कलीसिया में, अपने काम के दायरे में, अपने मन के जो भाव आते हैं उसमें हमने गलतियां की हैं, क्या हम स्वीकारते हैं? हमें ही स्वीकारना है और उसको बताना है कि हम तेरे योग्य हैं प्रभु, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे यीशु, मैं नहीं चाहता कि तेरी शांति मुझ में से जाए, तेरी शांति मुझ में बनी रहे। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मांगता हूँ परमेश्वर। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को परमेश्वर अपनी शांति से भर दीजिए, ताकि आपकी शांति उनमें बनी रहे, ताकि कोई भी व्याकुलता, कोई भी भय, कोई भी परमेश्वर विपत्ति, कोई भी परीक्षा उनके जीवन में आए और काम ना करे परमेश्वर, आपकी शांति ना जाए, आपकी शांति ना जाए परमेश्वर। आपकी कृपा दृष्टि मेरे भाइयों में बने रहे, मेरे बहनों में बने रहे, इस कलीसिया पर बने रहे, जो जूम से जुड़े हुए हैं उन भाइयों बहनों के लिए भी आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन।